नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक है प्रत्यय। इन संस्कृत में प्रत्यय को प्रत्यय ज्ञानम कहते हैं। परिभाषा है इसकी, हिंदी भाषा में जो क्रिया शब्द से कही जाती है, अंग्रेजी भाषा में जो वर्ब शब्द से कही जाती है, वह संस्कृत भाषा में धातु से नाम से कही जाती हैं। धातु से पूर्व जिसका प्रयोग होता है वह उपसर्ग होता है। उपसर्ग के प्रयोग से उस धातु के अर्थ में आंशिक परिवर्तन होता है। धातु के अंत में जिसका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय होता है। प्रत्यय के सहयोग से धातु का एक निश्चित अर्थ युक्त भाव प्रकट होता है। संस्कृत व्याकरण में अनेक प्रत्यय हैं। प्रत्यय के मुख्य तीन भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु क्रिया के बाद किया जाता है, वे कृत प्रत्यय होता है। जैसे एक शब्द है कृतव्यम, कृतव्यम में कृ धातु हो जाती है प्लस तव्यत प्रत्यय लग जाता है तो रूप सिद्ध हो जाता है कृतव्यम। फिर तद्धित प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे औपगव, तो इसकी धातु हो जाती है उपगु प्लस अण प्रत्यय हो जाता है बराबर औपगव हो जाता है। जैसे धनवान है तो धन प्लस मतुप हो जाता है, इसमें मतु प्रत्यय भी होता है, धनवान हो जाता है। फिर स्त्री प्रत्यय होता है जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कुमार एक पुल्लिंग है, उसमें स्त्री प्रत्यय डीप लग जाता है बराबर कुमारी हो जाता है। इसमें यह होता है एक लोप करना भी होता है, जैसे इसमें डीप प्रत्यय में ड और प का लोप हो जाता है, पीछे ई बचता है। जैसे कुमार में ई लगता है, कुमारी हो जाता है। फिर अजय है तो टाप प्रत्यय भी होता है, अज प्लस टाप हो जाता है बराबर अजा हो जाता है। फिर अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्यय हैं, जैसे पहला है कर्त्वा प्रत्यय। कर्त्वा प्रत्यय एक क्रिया जहाँ पूर्ण होती है उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ नहीं होती है, इस स्थिति में प्रथम संपन्न क्रिया पूर्वकालिक कही जा सकती है। जो प्रारंभ में नहीं हुई है वह क्रिया उत्तरकालिक होती है। दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है। फिर लेप प्रत्यय होता है। कत्वा प्रत्यय में कत्वा प्रत्यय कर या करने या करने के बाद में अर्थ होता है। कत्वा प्रत्यय में से प्रथम वर्ण क वर्ण की संख्या करने या लोप हो जाता है, केवल त्वा शेष रहता है। धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता है। त्वा प्रत्यय युक्त सभी शब्द जो अवयव होते हैं, इसमें यह मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, कत्वा प्रत्यय में क वर्ण के इस संख्या का लोप होता है और क्या बचता है, शेष त्वा बच जाता है। फिर लेप प्रत्यय आता है। लेप प्रत्यय कत्वा प्रत्यय के समान ही अर्थ वाला होता है, जहाँ धातु से पहले उपसर्ग होता है, जहाँ धातु के बाद कत्वा यानी करना, इस अर्थ में लेप प्रत्यय होता है। लेप प्रत्यय के में से प्रथम वर्ण ल का अंतिम वर्ण प का लोप हो जाता है। ये लोप होना का मतलब होता है गायब करना या हटाना। फिर इसका लोप करने पर केवल यह शेष रहता है। लेप प्रत्यय युक्त शब्द अवयव होते हैं, अर्थात इनके भी रूप नहीं चलते हैं। संक्षेप में हम जान सकते हैं कि उपसर्ग रहित धातु के बाद कत्वा एवं उपसर्ग युक्त धातु के लेप करते लेप प्रत्यय प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अर्चित्वा, अर्चित्वा में अर्च जो धातु होती है प्लस कत्वा होता है तो इसका रूप प्रसिद्ध हो जाता है अर्चित्वा। ऐसे फिर तुमुन प्रत्यय आता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के को अथवा के लिए इस अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय से मुँह के ऊ वर्ण की और न की इस संख्या और लोप हो जाता है, केवल तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यांत शब्द अवयव शब्द होते हैं, अर्थात इन शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। विशेष ध्यान रखने के योग्य बात यह है कि तुमुन प्रत्यय में मुंह के ऊ वर्ण की और न की इस संज्ञा या लोप हो जाता है और केवल क्या बचता है, तुम शेष बचता है। जैसे एक शब्द है आपतुम, आपतुम में आप क्या है, धातु है,
तुमुन प्रत्यय लग जाता है, शब्द हो जाता है आप तुम, फिर तरप प्रत्यय होता है, जहां दो की तुलना में से एक विशिष्टता अथवा अधिकता प्रकट होती है, वहां तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग प्राय विशेषण शब्दों के समान होता है। तरप प्रत्यय के अंतिम वर्ण प की संख्या और लोप हो जाता है, और केवल के पीछे क्या बचता है, तर बचता है। तरप प्रत्यय शब्द पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे ये शब्द है लघुतरह, लघुतरह में मूल शब्द लघु होता है और तरप प्रत्यय लग जाता है, बराबर लघुतरह हो जाता है। ये पुल्लिंग में लघुतरह होगा, स्त्रीलिंग में लघुतरा हो जाएगा और लघु नपुंसकलिंग में लघुतरम हो जाएगा। फिर तमप प्रत्यय आता है। तमप प्रत्यय की परिभाषा यह है कि जहां बहुतों यानी अनेक वस्तुओं की तुलना में एक की विशेषता अथवा अधिकता दिखलाई जाती है, वहां तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तमप प्रत्यय का प्रयोग प्राय विशेषण शब्दों के समान होता है। तमप प्रत्यय के अंतिम वर्ण प की इस संख्या और लोप हो जाता है। तमप में प का लोप हो जाता है, केवल तम क्या बचता है, शेष बचता है। तमप प्रत्यय शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान तथा नपुंसकलिंग में ज्ञान या फल के समान चलते हैं। जैसे ये शब्द है लघुतम, लघुतम में मूल शब्द लघु है और तमप प्रत्यय बच जाता है, लघु प्लस तमप प का लोप हो जाता है, तो पीछे बचता है लघुतम और विभक्ति कार्य करने पर लघुतम हो जाता है। फिर कत और कत्वतु प्रत्यय होता है। इसकी परिभाषा यह है कि जब किसी भी कार्य की समाप्ति होती है, तब उसकी समाप्ति का बोध कराने के लिए धातु से कत और कत्वतु प्रत्यय होते हैं, अर्थात इन दोनों का प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल अर्थ में होता है। ये दोनों प्रत्यय व्याकरण शास्त्र में निष्ठा संज्ञा शब्द से कहे जाते हैं। कत प्रत्यय के प्रथम वर्ण की अर्थात क की इस संख्या और लोप हो जाता है और पीछे केवल त शेष बचता है। यह कत प्रत्यय भाव धातु से भाववाची अथवा क्रमवाच्य से प्रयुक्त होता है। कत प्रत्यय शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कृतवाच्य में होता है। इस प्रत्यय के प्रथम वर्ण अर्थात ककार यानी आधा क और अंतिम वर्ण ऊ की इस संख्या और लोप हो जाता है, केवल त्वत शेष रहता है। कत्वतु प्रत्यय के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे पटितः है तो पट धातु हो जाती है और रूप से दो जाता है पटितः। और कत्वतु प्रत्यय की उदाहरण जैसे पीतवान है तो पा धातु होती है और रूप से दो जाता है पीतवानों। फिर श्रित एवं सानच प्रत्यय भी होता है इसमें। इसका सूत्र होता है लट लट श्रित सान चाव प्रथम समान अधिकरण है, अर्थात प्रथमांत के साथ समानाधिकार होने पर वर्तमान काल में लट के स्थान पर धातु से श्रित और सानच प्रत्यय होता है। जैसे अर्चन है तो अर्च प्लस शर्त हो जाता है, रूप से हो जाता है अर्चन। सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से लगता है, इसमें आन शेष रहता है तथा यह भी विशेषण जैसा ही होता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे सेवमान सेव प्लस सानच और रूप से हो जाता है सेवमानः। विशेष क्या है, विशेष ये है कि कुछ धातुओं में भविष्य काल के स्थान पर भी विकल्प से शर्त और सानच प्रत्यय होता है। इसमें स का आगम लिट लकार की तरह होता है और सब तीन लिंगों में चलते हैं। जैसे क्रिश्चियन, क्रिश्चियन में क्री धातु हो जाती है और इसमें सीए का आगमन हो जाता है तो रूप सिद्ध हो जाता है क्रिश्चियन। फिर इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं को इन्हीं प्रत्यय भी बोलते हैं। अकारण शब्दों में वाला या युक्त अर्थों में इन्हीं प्रत्यय होता है, इन्हीं का इन शेष बचता है। जैसे दंडिन होता है,
दंड प्लस इनी बराबर दंडीन। फिर टा प्रत्यय, इसका सूत्र है अजात स्टापह, आजादी गण में आए अज आदि शब्दों से तथा अकारांत शब्दों से स्त्री प्रत्यय टाप प्रत्यय। टाप का आशेष रहता है, आजादी गण में अज, अश्व, एडक, चटक, मूषक, बाल, वस, पाक, वैश्य, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, अनेक शब्द गिने जा सकते हैं। जैसे अजा है, अजा में मूल शब्द अज है, अज प्लस टाप हो जाता है, फिर टाप में आ बसता है तो अज प्लस आ हो जाता है, तो बराबर अजा हो जाता है। डी प्रत्यय, डी प्रत्यय के अनेक भेद होते हैं। डी प्रत्यय में ऋण डी पुगी सज वैसी प्रथमे सिद्ध गोरादि व्यस्त दिगो, इसमें डी प्रत्यय होता है और ई शेष रहता है। जैसे कत्री है, कत्री एक धातु है, कत्री प्लस डी बराबर कत्री हो जाता है। कामिनी है, जैसे कामिनी में भी डी प्रत्यय हो जाता है। इसी प्रकार भवती है तो भवत प्लस ई हो जाता है, यानी कि डीप में से ई शेष बचता है, तो जिस इसे इसे डायरेक्ट करते हैं भवत प्लस ई बराबर भवती हो जाता है। इसी प्रकार अनेक प्रत्ययों का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे क्रीडित्वा है, क्रीड प्लस कत्वा हो गया बराबर क्रीडित्वा हो गया। और पकत्वा है तो पच प्लस कत्व हो गया। अर्चितुंग में अर्च प्लस तुमुन हो गया। अनेक प्रत्ययों के माध्यम से इसके जो हम शब्द की पहचान और सरलता से उपयोग कर सकते हैं और वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं और एग्जाम में पहचान भी सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय होता है, कौन सी धातु होती है। इन शब्द के बारे में हमने अध्ययन और अध्यापन किया है। धन्यवाद।